महाराष्ट्र के पूर्व डिप्टी सीएम छगन भुजबल की न्यायिक हिरासत 7 जून तक के लिए बढ़ा दी गई है। छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल की न्यायिक हिरासत भी 7 जून तक बढ़ा दी गई है। चाचा भतीजे दोनों ही पिछले 2 महीने से मनी लॉन्ड्रिंग के केस मुंबई की आर्थर रोड जेल में बंद है। छगन भुजबल के बेटे पंकज भुजबल की गिरफ्तारी पर लगी रोक 7 जून तक बढ़ा दी गई है। पंकज भुजबल पर महाराष्ट्र सदन के निर्माण में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप है। हाईकोर्ट ने पंकज भुजबल की गिरफ्तारी पर 25 जून तक रोक लगा दी थी, जिसे अब 7 जून तक बढ़ाया गया है। महाराष्ट्र बोर्ड की 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। इस साल 46.60% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। सबसे अव्वल कोंकण डिवीजन रहा, जहां 93.29% स्टूडेंट्स पास हुए। इसके बाद दूसरे नंबर पर 88.10% के साथ कोल्हापुर डिवीजन रहा। राज्य में 90.50% छात्राएं पास हुई। वही छात्रों की सफलता का प्रतिशत 46.84% रहा। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मंत्रालय में कंप्यूटर वायरस का शिकार हो गए। इसके चलते पिछले करीब 10 दिन से कंप्यूटर से कामकाज पर बुरी तरह असर पड़ रहा है। वायरस के चलते ईमेल सेवा बंद कर दी गई है। बताया जा रहा है कि लॉकी रैंसम वायरस के चलते ये खराबी आई है। आईटी विभाग की मदद से वायरस निकालकर कंप्यूटर सेवा बहाल करने की कोशिश जारी है। मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर आज से रेल मंत्रालय की तरफ से रेल हमसफर सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। 1 सप्ताह तक चलने वाले समारोह के पहले दिन स्वच्छता दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा आने वाले दिनों में सत्कार दिवस, सेवा दिवस, सतर्कता दिवस, संचार दिवस और सामंजस्य दिवस का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें रेल मंत्रालय की 2 साल की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया जाएगा। पुणे जर्मन बेकरी बम धमाके के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहे हिमायत बेग ने नागपुर सेंट्रल जेल में दूसरे कैदी पर हमला कर दिया। दोनों के बीच जेल में खाने के दौरान झगड़ा हुआ। हिमायत बेग ने राजेश नाम के दूसरे कैदी पर खाना परोसने वाले बर्तन से हमला किया। ठाणे में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने एक कुरियर बॉय की पिटाई कर दी। कुरियर बॉय पर आरोप था कि वो महिलाओं और स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों को अश्लील मैसेज भेजता था। इस बारे में जब एमएनएस के कार्यकर्ताओं को पता चला तो उन्होंने पहले उसकी पिटाई कर दी और फिर कान पकड़कर माफी मंगवाई। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। महाराष्ट्र के धुले में बीजेपी की पार्षद प्रतिभा चौधरी के बेटे की वाटर सप्लाई ऑफिसर के साथ बदसलूकी का वीडियो सामने आया है। अफसर के साथ मारपीट भी की गई। वहीं पुलिस का कहना है कि उसे अभी तक किसी भी ओर से शिकायत नहीं मिली है। नासिक में तलीपार गुंडे को पनाह देने के आरोप में एक निर्दलीय पार्षद को गिरफ्तार किया गया। संतोष कुशारे नाम के इस बदमाश के खिलाफ हत्या, डकैती समेत कई संगीन अपराध दर्ज हैं। उसे नासिक से 1.5 साल के लिए तलीपार किया गया था। पुलिस ने खबर मिलते ही छापा मारा और दोनों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई में घाटकोपर रेलवे स्टेशन पर 60 साल की एक महिला ने रेल की पटरियों पर कूदकर जान देने की कोशिश की। महिला की जान तो बच गई, लेकिन उसे अपना पैर गंवाना पड़ा। बताया जा रहा है कि घर में आपसी कलह के चलते वो परेशान थी।